इस ये देखो भाई, हम लोग आ चुके इसके अंदर। मतलब भाई कितना गजब का मीट है, आप लोग देख सकते हो कि आप लोग देखो भाई जमीन के अंदर घुसे हो भाई। मतलब भाई आप लोग के फ्रेंड को ये दिखाओगे तो भाई वो लोग चौंक जाएगा। तो भाई ये फ्रेंड को जरूर से दिखाना भाई। गाइस वेलकम टू शेन टेक्निकल फिल्म टॉय। तो फिर से आ गए और एक न्यू धमाकेदार वीडियो लेके इन द वर्ल्ड 3 का। और आज का वीडियो होने वाले भाई फिर से मिथ बस्टर वीडियो। और भाई आज हम लोग इस वीडियो में ऐसा ऐसा मिथ बताने वाले जो कि भाई पूरी तरीके से हिडन मिथ है एंड भाई ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं। तो भाई वीडियो को एंड तक देखो एंड उसी के साथ भाई तुम लोग जिसमें लाइक नहीं किया कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही डेली धमाकेदार लाइव स्ट्रीम की बोला वीडियो देने के लिए। एंड उसी के साथ भाई बहुत सारे लोगों ने ना भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेंड नहीं, तो भाई वो कर दो क्योंकि भाई उसको ऑन करने से आप लोगों को डेली इंफॉर्मेशन अपडेट मिलते रहेगा हम लोगों के वीडियो चैनल पर, सॉरी वीडियो चैनल पर मतलब गेमिंग चैनल पर। ठीक है तो चलो भाई फास्ट मिथ के और बढ़ते। तो भाई जो फास्ट मिथ होने वाले ये बहुत ही मज़ेदार मिथ होने वाले। तो गाइस आप लोग को पता होगा कि हम लोग स्विमिंग वाला ग्लिच लगाकर हम लोग अगर ट्रेन के ऊपर चढ़ते तो भाई हम लोग स्विमिंग करते करते चल सकते ट्रेन के ऊपर। क्या आप लोग को पता है कि सेम टू सेम चीज़ हम लोग फायर ट्रक के ऊपर भी कर सकते हैं। तो चलो हम लोग ट्राई करके देखते हो स्विमिंग वाला ग्लिच लगाते। तो स्विमिंग वाला ग्लिच लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग को एक जेट पैक बुलाना पड़ेगा जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एंड उसके साथ आप लोग को एक फायर विकेट पहले से स्पॉन करना है। ठीक है हाँ गाइस आप लोग को पहले से एक फायर विकेट को स्पॉन करना है जैसे कि मैं अभी स्पॉन कर दिया। ठीक है तो उसके बाद आप लोग को जो स्विमिंग वाला ग्लिच है वो लगाना पड़ेगा। वैसे ये भी एक मिथ है, मैंने अगले वीडियो में बता दिया था तुम लोग एक मिथ एंड आप भाई ये मिथ बता रहा हो। तो आप लोगों को सीधा लेके जाना है भाई फायर विकेट के ऊपर। रुक जाओ भाई फायर विकेट के ऊपर धीरे धीरे आप लोगों को लेके जाना होगा जैसे कि मैं लेके जा रहा हूँ। एक सेकंड भाई, अरे भैया ये जेट पैक तो भाई बहुत परेशान कर रहे। वैसे गाइस ये बहुत ही मजेदार मिथ है, आप लोग सब लोग अपना फ्रेंड को दिखा सकते हो कि देख भाई मैं फायर विकेट के ऊपर भी चल सकता हूँ ट्रेन के ऊपर जैसे चल रहा था। ठीक है एंड उसके बाद देख सकते हो, देखो भाई एक बार देखो गाइस कि हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं। गाइस हम लोग मतलब एक साथ एक तरीके से बोल सकते हो तो चल रहे भाई फायर विकेट के ऊपर। आप गाइस तुम लोग रैंडम नहीं चढ़ोगे तो तुम लोग गिर जाओगे, बट गाइस आप लोग देख सकते हो कि फायर ट्रक के ऊपर आराम से हम लोग तैर के चल रहे हैं। बहुत मजा भी आ रहा है, आप लोग देख सकते हो जैक पैड भी हवा में उड़ रहे यार थोड़ा सा और भाई ओ गिर गया, अब तो गिर गया भाई। तो भाई आप लोग ये मिथ कैसे लगा बताना जरूर। ठीक है तो चलो अभी नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है अब गाइस भाई अभी मैं जो मिथ बताने वाला हूँ ना ये बहुत ही फनी मिथ भी होने वाला है। ठीक है तो चलो भाई फनी मिथ करने चलते। तो आप लोग क्या करने वाले, पहले आप लोग को वेलोसिरेप्टर बोलना, ओ सॉरी आप लोग को जॉम्बी मोड पे जाना है पहले। हाँ गाइस एंड फाइनली भाई जॉम्बी मोड पे आ चुके हैं एंड उसी के साथ भाई आप लोग को एक वेलोसिरेप्टर को बुलाना है। ठीक है एंड भाई ये बहुत ही फनी मिथ होने वाला है। वैसे गाइस आप लोग के गेम के अंदर जरूर ट्राई करना है मिथ एंड उसके बाद 9129 इन्फिनिटी लगाना है एंड उसके बाद भाई 2030 यानी कि जॉम्बी मोड आप लोगों को स्पॉन करने जॉम्बी। ठीक है एंड उसके बाद आपको एयरपोर्ट के जॉम्बी के पास जाना है ये वेलोसिरेप्टर को लेकर। ठीक है अरे कहाँ चल रहे भाई, स्विमिंग पे नहना नहीं अभी, चलो नहना की मतलब सॉरी नहाना नहीं है भाई अभी, ये मैं बोलना चाहता था। तो लेट्स गो गाइस पहले हम लोग एयरपोर्ट की ओर चलते एंड उसके बाद तुम लोग को मेद दिखाते हैं। ठीक है वैसे यार ये डायनासोर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है यार, मतलब कुछ भी अच्छा होगा। चलो हम लोग पहले एयरपोर्ट में चलते हैं ज्यादा बात ना करके। अरे भाई रुक जा भाई, बाद में खा लेना उसको आगे भाई, तो एयरपोर्ट में चलो। वैसे गाइस जब तक मैं एयरपोर्ट में जा रहा हूँ तब तक तुम लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है जैसे मैं अभी वेलोसिरेप्टर में आ चुका हूँ फाइनली एयरपोर्ट से। ठीक है मैं कैसा बोल रहा हूँ यार, मतलब एयरपोर्ट में आ चुका हूँ वेलोसिरेप्टर को लेकर एंड गाइस आप लोग देख सकते हो कि सामने हम लोग का ज़ॉम्बी इंतजार कर रहे हैं हम लोग को मारने के। तो ये देखो भाई, हाँ भी ये देखो, वो भाई वो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये देखो गाइस भाई ये है मिथ गाइस, देखो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो भाई ये ज़ॉम्बी को देखो, अरे भाई भाई अरे वो ज़ॉम्बी को देखो पटक रहा है भाई, उल्टा पलट भाई कहाँ कहाँ पे फेंक रहा है ज़ॉम्बी को। तो ये फनी मिथ मुझे बहुत फनी लगा यार, देखो भाई खा ही जा रहे भाई। तो देख सकते हो भाई सबको खा लिया भाई, सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड लगा होगा भाई, मतलब ये वेलोसिरेप्टर बहुत खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक है भाई इन वन थ्री का वेलोसिरेप्टर। तो वेलोसिरेप्टर को हल्के में मत लो भाई, भाई वेलोसिरेप्टर के को आगे कोई बोल सकते हैं क्या भाई, ये कमेंट में स्कैम कर देना ठीक है सब लोग। तो लेट्स गो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अभी मैं जो मिथ बताने वाला हूँ भाई ये होने वाले बहुत ही हर्ड मिथ एंड बहुत ही हिडन मिथ। ठीक है मतलब हिडन मिथ होने वाले, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। ठीक है तो आप लोगों को पता होगा कि कोई थार या फिर हम लोग फॉर्चुनर को स्पॉन करके अगर रॉकेट से फोड़ता हूँ तो भाई वो क्या होता है काला हो जाता है। जैसे कि अरे भाई पहले इन्फिनिटी लगा लेता, रुक जाओ एंड इन्फिनिटी लगा ले एंड आप लोग देख सकते हो कि फॉर्चुनर पूरी तरीके से टूट चुके हैं एंड उसी के साथ काला भी हो चुके हैं, मतलब ब्लैक कलर का हो चुके हैं एंड ये सेम टू सेम चीज़ भाई हम लोग को थार के साथ भी होते हैं। बट गाइस आप लोग को पता है कि स्कॉर्पियो के साथ करने
फोड़ने से सेम टू सेम चीज़ नहीं होता। आप लोग देखो भाई सेम टू सेम ऐसे लग रहे हैं। आप गाइस इसको फोड़ने के बाद ये देखो फूट तो गया बट गाइस देखो स्कॉर्पियो भाई जैसा था ऐसा ये सीरीज के सामने से आग निकल रही है, मतलब ये एक तरीके से हिडन मिथ बोल सकते हो तुम लोग पूरी तरीके से। एंड उसी के साथ इसका शीशा वगैरह भी आप लोग तोड़ देख सकते हो, मतलब बुलेट प्रूफ शीशा है क्या भाई, फूटने के बाद भी भाई शीशा है। आप लोग सिर्फ गाड़ी के ऊपर मतलब बैठ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो, मतलब देखो टायर वगैरह सब कुछ सेम है भाई, स्कॉर्पियो से शुरू करके सब कुछ सेम टू सेम है भाई। ये देखो भाई मतलब भाई बहुत ही गजब का मिथ है ये। आप लोगों के गेम के अंदर ट्राई करना क्या हो सकते भाई, आप लोग गेम के अंदर ये चीज़ ना हो तो भाई जरूर से ट्राई करना हम लोगों गेम के अंदर, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अभी जो नेक्स्ट मिथ है ना ये भी बहुत ही मज़ेदार है, ये भी एक तरीके से बोल सकते हो कि ये भी हिडन मिथ है। हाँ गाइस हिडन मिथ है। तो गाइस आप लोगों को कोई भी एक बाइक स्पॉन करना है, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ आप लोगों के सेम टू सेम आप लोगों को भी वहाँ पे जाना है, ठीक है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, देखो तो जय देख सकते हो कि मैं अभी कहाँ पे जा रहा हूँ, तो अच्छे से फॉलो कर लेना मेरे को कि कहाँ पे जा रहा हूँ। एंड देख सकते हो मैं अभी सीधा जा रहा हूँ, एंड सीधा जाते 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 भाई अभी एक सामने एक चीज़ पड़ेगा, रुक जाओ मैं उल्टा साइड आ गया, बट कोई बात नहीं मैं घूम के जाता हूँ, ठीक है। वैसे आप लोगों को उल्टा साइड नहीं आना, ठीक है। मैं जैसे कि ये जो सामने वाला बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, सामने वाला ये जो बिल्डिंग, ये देखो ये जो बिल्डिंग है इसके जो पास में जो वॉल लगा हुआ है ना उसके अंदर एक भाई मतलब सीक्रेट गेट मिलेगा जो कि आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो भाई, अरे यार निकल गया, रुक जा फिर से एक बार दिखाता हूँ गाइस। आप लोगों ने देखा भाई सीक्रेट गेट है भाई, वही बहुत सारे लोग ना ये ऐसे करके स्टोरी वीडियो भी बना रहे हैं कि स्टोरी मतलब सीक्रेट गेट बट गाइस सीक्रेट गेट तो असली ये है भाई, सीक्रेट गेट तो ये असली है भाई, मतलब इसके अंदर खजाने भी हो सकते हैं। वैसे मैं मजाक कर रहा था, बट गाइस ये मिथ करके आप लोग दोस्त को डरा सकते हो कि देख भाई अरे अटक ही गया भाई, आधा घुस गया आधा नहीं घुसा भाई। बट गाइस मेरा लाइव स्ट्रीम पर हुआ था, देखो मेरा कैरेक्टर भी घुस गया था भाई, तो मैं यही बोल रहा था कि आप लोग अपने फ्रेंड को भी डरा सकते हो ऐसे करके, देख भाई इंडियन वर्ल्ड थ्री में मैं कैसा मिथ कर रहा हूँ। तो भाई वो लोग भी बोलेगा कि कैसे किया, तो भाई जरूर से उसको ये मेरा वीडियो दिखाना भाई, ठीक है। एंड उसके साथ साथ भाई और एक बार दिखाता हूँ कावासाकी के साथ कर रहा हूँ। वैसे आप लोग जिस बाइक के साथ माने उस बाइक के साथ करते हो, वैसे यार मुझे बहुत अच्छा लगा ये मिथ। वैसे आज मैं लाइव स्ट्रीम करते करते मुझे ये मिथ पता चला, ठीक है। ये भाई साहब एक अलग ही मिथ हो रहे गाइस, ये देखो अलग ही मिथ हो रहे, मतलब कुछ भी यार क्या क्या ग्लिच हो रहे गाइस। तो आप लोग गेम के अंदर जरूर ट्राई करना। एंड उसी के साथ भाई आप लोग बोल रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो ऊपर जा रहे, तो गाइस ऐसा नहीं गाइस, इसके अंदर भी ये घुस सकते हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड, एकदम तरीके से दिखाता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। तो गाइस ये देखो भाई हम लोग आ चुके इसके अंदर, मतलब भाई कितना गजब का मिथ है, आप लोग देख सकते हो कि आप लोग देखो भाई जमीन के अंदर घुसे हो भाई, मतलब भाई आप लोग फ्रेंड को ये दिखाओगे तो भाई वो लोग चौंक जाएगा, तो भाई ये फ्रेंड को जरूर से दिखाना भाई। तो भाई आप लोग को ये मिथ कैसा लगा बताना जरूर, ठीक है। तो चलो भाई अरे रुके जा भाई रे एक सेकेंड, चलो एक सेकेंड भाई फिर से बाहर निकलना पड़ेगा, वो बाहर भी निकल नहीं सकते, रुक जाओ। तो भाई ये मिथ था भाई बहुत ही गजब का, वैसे आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर। चलो अभी नेक्स्ट मिथ स्टार्ट के और बढ़ते हैं। और गाइस अभी जो मिथ बताने वाला हूँ भाई आप लोगों के घर में यानी कि गेम के घर में ये मिथ छुपा है, और भाई ये भी एक हिडन मिथ है गाइस। तो ये हिडन मिथ कैसा है मैं बताता हूँ। तो क्या तुम लोग को पता है कि मैं जब भी मतलब तुम लोग जब भी इसके ऊपर से जाओगे ना तब तुम लोग का जो कैरेक्टर है ऐसे करके गिर जाएगी। ये देखो भाई वो भाई सब कुछ फूट गया, और ऐसे करके मर भी सकते गाइस। देखो भाई पूरी तरीके से नीचे चला गया गिर के, आप लोग जो भी कर लो ना भाई उससे भाई नीचे गिर ही जाएगा भाई, उससे गारंटी बोलो नीचे गिरेगा। हाँ हो सकते कि एक एक बना गिरे, पर जैसे देखो मैं जब भी जा रहा हूँ ये देखो भाई गिर गया भाई, मैं मर ही गया ले भाई मैं मर ही गया। तो फिर से मैं एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई ये है कि हिडन मिथ है भाई, बहुत ही मज़ेदार मिथ है। आप पीछे से भी मतलब पीछे भी से घूम के आओगे ना तो फिर भी देखो भाई गिर जाओगे, ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ देखो ये देखो भाई गिर गया। तो भाई यही था मिथ बस्टर्ड वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।